फिजिक्स सार थी मधुमिता मुखर्जी। आई प्रॉमिस अ बेटर स्कोरिंग इन योर फिजिक्स। बिल्कुल सेम। एक 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, लास्ट क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी था वही बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये जब करंट जाता है जो फील्ड बनाता है H, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस H B जो प्रोड्यूस करता है, म्यू आ जाता है, फील्ड H आ जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखो वही चीज है, इसीलिए बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अनदर नेम। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 5000 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 4×10⁻⁵ वेबर वेबर इन एन आयरन रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द परमियबिलिटी ऑफ द रॉड इन वेबर पर एम्पियर मीटर इज, ए ऑप्शन इज 4×10⁻⁶, बी ऑप्शन इज 1×10⁻³, सी ऑप्शन इज 2×10⁻⁴, डी इज 3×10⁻⁵। बिल्कुल सेम है, ओनली थिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो दैट्स अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी को ऑलवेज बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। सी मैग्नेटाइजिंग फील्ड FIELD इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू, इस दोनों को आप H से रिप्रेजेंट करोगे, इसको 5000 एम्पियर पर मीटर दे दिया, जब देखोगे एम्पियर पर मीटर आप बिल्कुल जानोगे H के बारे में बात कर रहा है। एम्पियर पर मीटर मीन्स H, रॉ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल रॉ, कोई मीडियम का कंसीडर नहीं किया, दैट इज एम्पेयर पर मीटर। ठीक है? अच्छा, और B क्या होता है? हमेशा होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं B, व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू H। मैंने बोल दिया इंडक्शन इज B, व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू H। Mu is permeability, correct? अच्छा, अभी magnetic flux क्या होता है? वेबर होता है, इसको phi से डिनोट करते हैं हमेशा। ये दे दिया 4×10⁻⁵ वेबर, वेबर इज WEBER, फुल फॉर्म इज वेबर, WB लिखते हैं वेबर। इन एन आयरन रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं कैपिटल ए लिखू, इधर कैपिटल ए नहीं है, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीनिंग बाई 0.4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या चाहिए? म्यू चाहिए, द परमियबिलिटी ऑफ द रॉड इन, सो परमेबिलिटी, सो बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। अभी बी क्या है? फाइव के साथ रिश्ता है, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी इक्वल टू फाइव बाई ए, लिखो फाइव बाई ए इंटू 1/h, डाल दो फाइव का वैल्यू 4×10⁻⁵, नीचे ए इज 0.4×10⁻⁴, एच का वैल्यू दे दिया 5000, करो 4 तो निकल गया, दिस इज 1/10, तो 10 ऊपर चला गया, अभी ए निकल दो, 1/5 रह गया। ठीक है? अच्छा, 10 निकल गया तो क्या रह गया, 1/5 रह गया ×10⁻⁵ + 4, एंड दिस इज 10⁻², -2 ऐसा कुछ है। ठीक है?
ठीक है, तो इधर एक 10 ले लू तो माइनस 1 अनदर करना पड़ेगा, तो हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। म्यू का वैल्यू इन वेबर पर एम्पियर मीटर, तो बोल ही दिया वेबर पर एम्पियर मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इधर मैंने फटाफट किया क्या, 4 तो निकल गया, दिस इज 4 अपन 10, 10 ऊपर चला गया, ये 10 हो गया, तो 4 निकल गया। फिर अनदर 10 ले लिया, 1 अपन 5 था, अनदर 10 ले लिया, मतलब 10 से नीचे भी डिवाइड किया ना, तो उसके लिए माइनस 1 ले लिया। ये तुम खुद करोगे, करके 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आता है वेबर पर एम्पियर मीटर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। याद रखना है H H always expressed as ampere per meter. H that is magnetic intensity, that is magnetizing field. Both the names are proper and आते हैं exam में, आपने ही देखा। Magnetic induction B जो होता है वो होता है permeability into H, permeability into magnetic intensity, जो current से आता है उसके साथ मीडियम का परमियाबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, इंडक्शन होता है। फाइव तो बी इंटू ए। क्लियर? नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व लाइक दिस। इफ यू आर बेनिफिटेड डू वॉच।